अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज मैं सर्दियों के कपड़े स्टोर कर रही हूँ, इनको रख रही हूँ यानी कि अगले साल के लिए। अब गर्मी आ गई है तो सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये गर्म कपड़े जो है वो पैक करके रख दूँ, क्योंकि ज़्यादा कपड़े होंगे तो ज़्यादा वो होगा, रश होगा कपड़ों का, तो बंदा संभाल नहीं पाता। इसलिए मैंने अलमारी में से जो गर्म कपड़े हैं वो अलग कर लिए हैं, इनको अब अलग करके रख दूँगी एक तरफ, ताकि बच्चे ये यूज़ ना करें और ज़्यादा रश ना हो कपड़ों का। ये देखिए व्यूअर्स, ये पैक हो गए हैं, अब मैं इनको रखूंगी। व्यूअर्स, अब मेरे कपड़े पैक हो गए थे सर्दियों वाले, तो इनको मैं अब ऊपर, ये जो अलमारी के ऊपर वाले पोर्शन है तो मैं इनमें रख दूंगी, क्योंकि हमारे जो यूज़ वाले होते हैं ये नीचे रखे होते हैं। ये देखिए यूज़ वाले बच्चों के यहाँ ठहरे हैं, और जो हमने अगले साल के लिए रखने होते हैं वो हम ऊपर रखते हैं। जैसे ये ऊपर मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये देखें, ये हम ऊपर बिल्कुल खाली है, ये देखें, ये अब खाली है। अब यहाँ पे हम ऐसे तय लगा के ऊपर रखते जाएंगे, जैसे पैकेट में पैक हैं तो इनको एक दूसरे के ऊपर इस तरह ऊपर रखते जाएंगे। तो जैसे ही अगले साल इंशाल्लाह आएगा तो हम निकाल के यूज़ कर लेंगे। देखिए व्यूअर्स, आज मेरे रूम बेडरूम में कपड़े ही कपड़े हैं, क्योंकि मैं यही काम कर रही हूँ, गर्म कपड़े अलग कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा गर्म है, आजकल गर्मी है तो गर्म यूज़ नहीं हो रहे, तो उनको मैं अलग कर रही हूँ। तो इसलिए आज ये देखें ऐसे बखेरा बेडरूम में हुआ पड़ा है, कपड़ों का रश हुआ पड़ा है, इग्नोर करें व्यूअर्स इनको। इसलिए अभी इनको साफ करूँगी, जैसे ही मेरा काम ख़त्म होगा तो बेडरूम पूरा साफ कर दूँगी। देखिए व्यूअर्स, मैंने बेडरूम साफ कर लिया है, थैंक गॉड कि साफ हो गया है। अब बस जैसे जैसे कपड़े अलग करूंगी उनको ऐसे सेट करती जाऊंगी अलमारी में। किसी दिन आपको ये भी अलमारी भी दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह सेट किया, इसका अलग से वीडियो बनाऊंगी एक। ये देखिए अब साफ हो गया है, मुझे गर्म ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा भी कोई चीज़ कहाँ कोने में एक गिलास तक अच्छा नहीं लगता कि पड़ा हो। मैंने अपने बच्चों से भी बोला हुआ है कि जो चीज़ आपको दूँ खाने के लिए आप फ़ौरन से खा के किचन में रख के आओ, एक गिलास भी पानी का ना पड़ा हो, पानी पी के गिलास फ़ौरन से किचन में रख के आओ, क्योंकि इस तरह अच्छा नहीं लगता, सफाई नहीं लगती। देखें व्यूअर्स, मैंने अब चाय चढ़ा दी है, थोड़ी थकावट हो गई थी तो फिर मैंने सोचा कि चाय बना के पीऊँ, और इधर इस तरफ मैंने कढ़ाई कर दी है सालन बनाने के लिए। व्यूअर्स, मुझे थोड़ा सा खाना बनाना हो तो मैं कढ़ाई में ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कढ़ाई में बनाना, और मुझे ज़्यादा बनाना हो जैसे मेहमान वगैरह आए उनके लिए बनाना हो तो मैं बड़ी चीज़ें बना लेती हूँ। ये देखें सब्जी अब काट रही हूँ, आज आलू पालक बनाऊंगी, आलू पालक का सालन। ये देखिए चाय भी बन रही है, जब पक जाएगी तो फिर इसको डाल के कप में पियेंगे। मुझे चाय जरा दूध कम हो तो फिर अच्छी लगती है, ज़्यादा दूध वाली चाय मुझे नहीं अच्छी लगती।
इसी तरह ही पीती हूँ और इसी तरह अच्छा लगता है। अभी तो किचन साफ लग रहा है, लेकिन अभी काम जैसे जैसे करूँगी तो वैसे काम भी गंद भी होता रहेगा और साफ भी करती रहूँगी साथ साथ। चले अब चाय पक गई है तो इसको अब डाल देती हूँ। मैं बाबू को दे आऊँ मम्मा? हाँ जी दे आइए। हमारे लाइक हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जाए जाए बाबू को देखिए। बस मेरी चाय बस मुझे इतनी ही पीनी थी, ज़्यादा पीने का दिल नहीं था। दिल तो नहीं, आपकी चाय हो बोरे। मैं ये चाय भी पीती रहूँगी साथ साथ और वो भी करूँगी, सब्जी भी काटती रहूँगी। आपको मैंने पहले भी बताया कि पहले मैं चीज़ें काट लेती हूँ फिर शुरू करती हूँ बनाना, इसलिए पहले मैं इनको काट लूँगी फिर सालन बनाना शुरू करूँगी। अब इनको धो लूंगी। धो के फेस को काटूंगी। टमाटर काट रही हूँ। मामा को भी चाहिए पापा? नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप खाओ, मैं चाय पी रही हूँ। साथ साथ काम भी कर रही हूँ और चाय भी पी रही हूँ। ऑयल गरम हो गया था तो मैंने प्याज डाल दिए। प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो मैं फिर कुछ और डाल दी। इसमें लहसुन पिसा हुआ डालूंगी। मिक्स करेंगे। लहसुन को इतना ज़्यादा ना पकाएं कि वो जल जाए, बस थोड़ी सी खुशबू आ जाए। इसमें जीरा डाल के मैं इसमें सूखा धनिया और फिर इसमें चम्मच ही लें इसलिए टमाटर डाल रही हूँ। तो टमाटर डालने के बाद अब मैं इसमें नमक डालूंगी ताकि ये टमाटर जो है ना गल जाए। नमक मैं हमेशा ऐसे ही डालती हूँ टमाटर डालने के बाद। टमाटर जो है ना ये फिर चॉप किए होते हैं तो ये गल जाते हैं, अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। और थोड़ी सी किसी लाल मिर्च
लाल मिर्च, सूखी साबुत वो डालूँगी जो गोल वाली होती है छोटी। सब्ज़ी में ये मैं थोड़ी सी डालती हूँ जब सब्ज़ी बनाती हूँ, तो ये वाली मिर्च में थोड़ी सी डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं, बस ऐसे 3-4। ज़रा सब्ज़ी फिर थोड़ी स्पाइसी हो जाती है तो फिर खाने में अच्छी लगती है। थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि आलू गल जाए। ये देखिए अरम फातिमा अपना बिजी है। अरम फातिमा आप क्या कर रही हो? मोबाइल देख रही हो? मोबाइल देख रही हो? कौन सी पोइम देख रही हो? पोइम कौन सी देख रही हो? अरम फातिमा आप कौन सी पोइम देख रही हो? मस्त है, मोबाइल देख लेना। अभी देखते हैं आलू गले हैं कि नहीं गले। अभी उम्मीद तो है कि आलू गल गए होंगे, इसको जरा चेक कर लेते हैं। आलू गल गए तो अब इसमें पालक डालते हैं। पालक को अच्छी तरह से मिक्स करें। पालक मिक्स हो गई अच्छी तरह से, इसको कवर कर दें 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं बस 2 मिनट के लिए। तो नीचे से जल जाएगी, सारी जल जाएगा नीचे से। चलिए बस अब इसका पानी खुश्क हो गया है, तो मैं इसमें अब थोड़ा सा इसको टेस्टी बनाने के लिए मक्खन डालूंगी। ये देखेंगे, ये मैं घर में बनाती हूँ तो बन जाता है, तो घर का मक्खन ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसमें अब ये डालूंगी, ये मैंने खुद इसको रेडी किया। इसको ज़रा थोड़ा सी टेस्टी बन जाएगी सब्जी। वैसे तो हम साग के साथ भी खाते हैं मक्खन, ये भी तो ऐसे साग साग की तरह ही है पालक भी, तो इसमें भी थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है, अच्छा लगता है। अब इसको मिक्स कर ले तो ये मेल्ट हो जाएगा। अब इसमें ये ग्रीन हरी मिर्च डालें, इसको थोड़ा और खुश्क होने दो तो हमारी सब्जी रेडी हो जाए। पालक गोश्त तैयार हो गया, सॉरी आलू पालक पालक गोश्त भी बनता है लेकिन ये तो आलू पालक है। चले व्यूअर्स, मेरी वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह के नाम।